हे लवली फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हो गई है एक नई सुबह, एक नए दिन की शुरुआत, और आ गई हूँ मैं यहाँ पे आप सबके सामने। तो नए ब्लॉग की करते हैं यहाँ से शुरुआत, और मैं पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई हूँ, मैं नहा चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद प्रियंका। तो अभी बज रहा है कुछ अराउंड 9, और यहाँ पे नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस तैयार होना बाकी है। सूरज भी गया है नहाने के लिए, और ब्राउनी को हमने ऑलरेडी रेडी कर दिया है। तो नाश्ता करेंगे, जस्ट फाइनली रेडी होंगे और निकलेंगे। तो निकलते समय आप सबसे हम मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैं भी रेडी हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ अपनी ट्रिप के लिए। आज डे 1 है हमारा, हम जा रहे हैं तलत, जो सेंट्रल वियतनाम में है। एक्चुअली ये एक हिल स्टेशन है, सो वहाँ हमारा प्लान है 4 दिन वहाँ रहेंगे, और फिर उसके बाद जाएंगे दनांग, जो एक कोस्टल एरिया है अगेन सेंट्रल वियतनाम में। बट वहाँ बहुत बार जा चुके हैं पहले, 3-4 बार, बट स्टिल वो हम बहुत पसंद है, इसलिए हमारा आइटिनरी में वो भी है। टोटल 10 दिन का ट्रिप होगा, जिसमें आना जाना इंक्लूडेड है। सो अभी दिखाते हैं कि हमारा क्या स्टेटस है। ब्राउनी एकदम एक्साइटेड, तैयार, क्योंकि उसको सबको तैयार, हमें तैयार देख रही, तो तैयार है एकदम जाने के लिए। यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पैक होना एंड में बचा है, बस वो होगा। यहाँ ब्राउनी का बैग पैक्ड है, उसका क्रेट है, एक बॉल रखा है हमने, उसमें वो हटा देंगे उससे, बट अभी फिलहाल उधर है। ये रेड बैग प्रियंका का, लाल पीला नीला सब लेके जा रहे हैं, पीला ब्राउनी रेड प्रियंका, मेरा ब्लू है उधर, वो पैक हो रहा है क्योंकि चीज़ें हैं। और ये लगातार इसको गोद में आना है, कि मुझे ऊपर ले लो, ये गोद में आने की जिद कर रही है। वेट ब्राउनी वेट। सो अब हम पैकिंग कर रहे हैं, 10:30 हो चुका है, पैकिंग हो गया है, इनफैक्ट 10:30 से ज़्यादा हो गया है, कैब का 10:30 का टाइम था, तो अभी इसकी वजह से लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी 10:30 के बाद अब हम बस जाएंगे। अभी कैब पैकिंग हो गया हमारा, तीनों बैग आप देख लो रेडी है। ब्राउनी अगेन अब तक जंपी कर रही है, मैं पूरी रेडी हूँ। और ये हैंड बैग्स है, मेरा बैग पैक है, तो जितना भी कम सोचो हम पूरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाते हैं। और ये पीछे ब्राउनी का बैग है, वो मतलब क्रेट है। वोकेशन, वोकेशन, सो लेट्स मूव नाउ। ब्राउनी दिखा दो डांस, अरे बच्चा, ओके, गुड 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 डांस, गुड डांस। तो फाइनली अभी 10 दिन के लिए ये लॉक, और वेलकम टू आवर होम आफ्टर 10 डेज। ब्राउनी पैक्ड है क्रेट के अंदर, चलो लेट्स गो। पूरा हंगामा कर रही है। मेरा गोद फ्री हो गया, वो चल गई है प्रियंका के पास, क्योंकि उधर से दिख रहा है, वो विंडो लिया उसने, उसको बाहर देखना है मेन, तो अब उसको समझ गया कि वहाँ से भी दिख रहा है, तो अब उसके पास चल गई। मैं अपने काम में एटलीस्ट कर पा रहा हूँ, और मैं सोने जा रही हूँ। और ये ऑलरेडी हम लोग को अंदर नज़र आ रही है कि बहुत ही भीड़ है, रश है, सब अपने अपने होम टाउन जा रहे हैं या कहीं कोई वेकेशन मनाने जा रहे हैं, और हम भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो बस अभी हमारा ये सारा काम जल्दी से हो जाए, फिर एक बार हम लगेज चेक इन कर लें, और उसके बाद सिक्योरिटी क्लियर कर लें, फिर हम आप सबसे वापस से मिलते हैं।
में आ गई है मेरी बोर्डिंग पास, मुझे और सूरज और रानी तीनों को मिल गया है। और बस अब एक चीज़ और रह गया है, सिक्योरिटी चेकिंग कराना, बस वो कराएंगे हम और फिर हम वापस से आप सबसे मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को रोक दिया गया है क्योंकि ब्राउनी के लिए स्पेशल सिक्योरिटी वाले आने वाले हैं उसका चेक करने। ये पता नहीं क्या सोना चांदी लाद के नीना लेके जा रही है, इसलिए तो जस्ट इसका हो जाए, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे इसका हो जाए एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। फाइनली सिक्योरिटी चेक पूरा कम्प्लीट हो चुका है, तो अब हमारे पास अभी आई थिंक 1:25 हो रहा है और हमारी फ्लाइट है 2:30 की, तो अभी हमारे पास हाफ़ एन आवर है, 2 बजे जाना है हमें, तो हमारे पास हाफ़ एन आवर है, तो मे बी हम कहीं बैठते हैं अभी फ्रेश होते पहले और कहीं बैठते हैं, मे बी कॉफ़ी ग्रैब करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं बैठते हैं और फिर निकलते हैं। तो अभी हमारे पास टाइम था, आ गए हैं हम स्टारबक अभी और यहाँ पे सूरज और ब्राउनी वेट कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी का। तो सूरज ने तो ऑब्वियसली कुछ मंगवाया है कोल्ड में और मुझे क्या पचीना पीना था तो मैंने हॉट एंड मंगवाया है, तो बस पियेंगे और यहाँ से ही हमारी गेट नंबर 3 में ही है, लेफ्ट में ही है दिस साइड, तो बस फिर हम निकलेंगे। तो यहाँ पे ब्राउनी का जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो इन्होंने चेक कर लिया है एंड बस अभी हम रेडी हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट विद ब्राउनी के साथ करने के लिए। ब्राउनी कहाँ हो, दिखाओ। ये सारा प्रोसीजर हो गया है और ब्राउनी आके बैठ चुकी है यहाँ पे, तो ब्राउनी को भी एक सीट मिल चुकी है और बस अब हम फ्लाई करने के लिए रेडी हैं। और अभी ब्राउनी का हाल कुछ ऐसा है, तो फाइनली हमने ब्राउनी को मिडिल वाले सीट पे बैठाया हुआ है और अभी वी डोंट नो कि कैसा रिएक्ट करेगी, बट ठीक है अभी सब कुछ अच्छे से हो गया है तो ये भी अच्छे से हो जाएगा एंड शी इज लाइक शी इज लुकिंग। अभी ये ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि हम इसको इससे में से नहीं निकाल सकते, बट देन टू वो यूज टू नहीं है इसलिए हम इसका डोर ओपन करके रख रहे हैं, जस्ट उसको बोल रहे हैं कि वो बैठे वहाँ पे। मेरी चीज़ें होने के बाद अभी ब्राउनी इसमें से निकल के सूरज की गोदी में चली गई है, ये अलाउड तो नहीं है उसको इसी में रखना था, लेकिन फिर भी वो अंदर बैठ ही नहीं रही थी, उसको थोड़ी दिक्कत ना हो इसलिए सूरज उसको कंफर्टेबल करने के लिए लैप पे ले लिया है और अभी आई थिंक पूरी जर्नी में वो उसको ऐसे सुला के लेके जाने वाला है। तो यहाँ पे सूरज ब्राउनी सो के उठ चुके हैं और हम अबाउट टू लैंडिंग है, लैंड करने वाले हैं और यहाँ पे ये आपको मैं दिखा दूँगा टर्बुलेंस शुरू और कितने प्यारे बादल लग रहे हैं। वी आर अबाउट टू लैंड और इट्स ब्यूटिफुल, मतलब ऊपर से ही लग रहा है कि दलहत कितना ही ब्यूटिफुल है, इट्स हिल स्टेशन और बहुत 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 ही प्यारा लग रहा है, तो अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं कुछ दिन, देखते हैं कि दलहत कैसा है। फिलहाल आप खुद ये व्यू देखो यहाँ से।
लगेज कलेक्ट कर लिया है दलहत में लैंड करके। अभी टैक्सी भी बुक हो गया है, मतलब टैक्सी का हमने अपॉइंटमेंट ले लिया है, अब बाहर निकल कर टैक्सी लेना है और जाना है। तो प्रियंका इज ऑल्सो हियर, ब्राउनी इधर सेट है, अब चलते हैं बाहर और टैक्सी में मिलते हैं। और ब्राउनी निकल रही है सिंहासन में बैठ के एयरपोर्ट से बाहर। ये हम आ गए हैं बाहर, अब लेंगे टैक्सी। सो ये है हमारा टैक्सी, अभी सामान रखा जा रहा है, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। तब तक प्रियंका ट्राई कर रही है कि ब्राउनी कुछ भी कर ले, शूशू पॉटी जो कर रहा है उसको, बट वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ घूम रही है। अभी यहाँ से चलते हैं फिर देखते हैं। वेलकम टू दलहत, हमने टैक्सी ले लिया है और अभी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। तो बस अभी निकलते हैं और अभी ये फर्स्ट टाइम हम यहाँ दलहत आ रहे हैं, विच इज़ अ हिल स्टेशन, और ये बहुत प्यारी सिटी है जैसा हमने सुना है, हमने देखा है, और अब हम सच में देखने वाले हैं कि ये वियतनाम की कितनी प्यारी सिटी है। तो आप सबको भी हम दिखाते हैं साथ साथ में। और अभी तो एयरपोर्ट से निकलते ही बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा व्यू है ये सामने, आप देखो इसको, तो ऑल ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आ रहा है अभी, सामने पहाड़ है। एक्चुअली यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर अप्रॉक्स है होटल हमारा। सो अभी तो स्टार्ट किए हैं एयरपोर्ट से, सो लगेगा 1 घंटे के अप्रॉक्स, बट पहुँचते हैं वहाँ और आपको हम रास्ते के सीनिक ब्यूटी भी दिखाएंगे। हिल की चढ़ाई शुरू हो गई, जैसे हमने बताया था आपको हिल स्टेशन है, देखिए अब नीचे हैं, धीरे धीरे हम ऊपर पहाड़ में चढ़ रहे हैं। सो रास्ता वैसा पतला हो गया है और घूम घूम के हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। वैसे हम लोग अगर रास्ते का पूरा मतलब अच्छी चीज़ को वीडियो बनाने चले ना, तो पूरा एंटायर ट्रिप का वीडियो बन जाएगा सच में, मतलब क्योंकि सब कुछ इतना प्यारा लग, चीज़ इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है कि वर्थ है यहाँ पे आना। एंटर कर गए हैं सिटी एरिया, मतलब काफ़ी दूर हम ट्रैवल करके आए हैं, अप्रॉक्स 20+ किलोमीटर अब चल चुके होंगे। और ये देखिए ये सिटी का व्यू, मतलब पहाड़ों में है तो थोड़ा ऊपर नीचे ही रहेगा हर जगह, तो यहाँ से पूरा सिटी का सेटअप है। और फर्दर जब हम एक्सप्लेयर करेंगे आपको दिखाते चलेंगे, बट फिलहाल तो ये मन तो कर रहा है सब कुछ दिखाते चले, बट वीडियो फिर घंटों का हो जाएगा। हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में और अभी सामान निकाल रहे हैं। ये ब्राउनी देख रही है कि मैं बाहर क्यों चला गया, और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, रूम से व्यू देखेंगे रूम में पहुँचने के बाद, बट यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट है। बार आप हमारे होटल, अभी हम अंदर नहीं गए हैं लेकिन हम अभी बाहर ही रुक गए, जस्ट हमें कार ने ड्रॉप किया और हम यहाँ पे व्यू देखते हैं, और ये एक सच एन अमेजिंग व्यू है, मतलब देख के लग रहा है कि अभी अंदर ना जाओ, अभी यहाँ के जितने व्यूज़ हैं पहले देख लो। तो हम आपको धीरे धीरे सारे ही लोकेशन और व्यू यहाँ के दिखाएंगे कि कैसा है, एक बार अंदर चलते हैं पहले होटल।
हो गया है होटल का चेक इन, डन विद फॉर्मेलिटीज, और अब हम चलते हैं अपना रूम देखने और आपको भी दिखाते हैं, आओ हमारे साथ। सो ये है हमारा लिफ्ट, सामान हमारा रख दिया गया अंदर। अब हो गया सब गोल्डन गोल्डन, ये जैसे लग रहा है ना जैसे कि कोई पुराने जमाने के प्रेस फोर। अच्छा प्रेस फोर, ओ तो हम फोर्थ फ्लोर पे, टॉप फ्लोर, फोर्थ फ्लोर का ही है होटल पूरा, तो हमें टॉप फ्लोर पे मिला है रूम 404। यस, और अभी मैं पूरा होटल एक्सप्लोर करने वाली हूँ, वापस से आने वाली हूँ नीचे, एक बार हम चल के रूम देखते हैं कि कैसा है। और अच्छा, हमें पहले बात तो ब्राउनी के चक्कर में थोड़ा सा हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, हमारे पास सारे होटल्स अलाउ नहीं करते, राइट, बिकॉज सारे होटल्स पेट अलाउ नहीं कर रहे थे, तो हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हो गए थे, तो उसमें हमें ये सबसे बेस्ट लगा, तो इसलिए हमें ये प्रेफर करना पड़ा, बट देन टू आई एम जस्ट लविंग इट। ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम, वो राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने अभी ब्राउनी को बाहर बिठाया हुआ है, बिकॉज पहले मैं आपको एक बार पूरा रूम दिखा दूँ, एक्सप्लोर करा दूँ, और फिर तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और ये है प्यारा सा बाथरूम, और यही से मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट होने वाली है अभी 4 से 5 दिन तक, ठीक है। तो क्यूट, इट्स रियली वेरी वेरी क्यूट। और ये है वार्डरोब, ओके, एंड देन हमें मिला है यहाँ पे कुछ स्नैक्स, वाटर कॉम्प्लीमेंट्री, और केटल है यहाँ पे, फ्रिज है मैंने, और मिनी फ्रिज इज ऑल्सो देयर, मिनी फ्रिज में भी देयर इज सो मेनी ड्रिंक्स, एंड वी हैव गॉट स्लीपर ओवर हियर। जैसा कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा मिल गया है, बिकॉज ब्राउनी के साथ, जैसे हमने आपको बताया कि ब्राउनी के साथ लिमिटेड हो गया था हमारा होटल का सिलेक्शन, और आई थिंक ब्राउनी के साथ बेस्ट मिल गया है यहाँ पे। तो ये है मेनू यहाँ का, एंड दिस इज समथिंग कि जहाँ पे मुझे तैयार होना है, यस, क्योंकि ये बहुत नीडेड होता है और हर जगह ये नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मैं हर सुबह तैयार होने वाली हूँ, मे बी दिन में 2 बार। और ये हमें मिला है थोड़ा सा बैठने के लिए, हमारा प्यारा सा बेड, और यहाँ पे है व्यू, तो ये है, अच्छा व्यू इज लाइक प्यारा लग रहा है हमें पूरा यहाँ से, थोड़ा दूर तक जहाँ तक हमारी आंखें जा पा रही है वहाँ तक हमें प्यारा प्यारा छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर दिखाई पड़ रहे हैं, बट बहुत अमेजिंग है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, आते ही मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे सब एक्सप्लोर करा दिया, यस, और आप बाहर आओ मेरे साथ। मैंने आते ही यहाँ पे देखा कि यहाँ से बाहर कुछ ये नज़ारा है, ये है कुछ नज़ारा, और बस आपको रूम से एक कदम निकलना है ये नज़ारा देखने के लिए, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। मतलब कि हम बहुत टाइम बाद ट्रिप पे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ब्राउनी से तो ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं था, और ये ट्रिप पे आने का मतलब पूरा हो गया, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर में फ्रेश होते हैं, फिर वापस से आपको ब्राउनी आ गई, और ब्राउनी यहाँ पे आ गई, ब्राउनी को पूरा होटल घूमना है और पूरा जानना है ब्राउनी को, तो ब्राउनी भी यहाँ पे आ गई है। चलो 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 रूम में चलते, चलो गो 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 गो। तो होटल में पहुंच गए हम, यहाँ अपनी ब्लॉग देख रहे हैं, और यहाँ देखिए मैं थोड़ी देर मेरे पास लेट हो गई, यहाँ सोया जा रहा है, दोनों महिलाएं फिर आराम कर रही हैं, ब्राउनी यहाँ सो गई है, ये भी सो गई। अभी हमारा ये प्लान है कि हम निकलेंगे और जाएंगे नाइट मार्केट ऐसा एरिया में लोकल, आज लाइट ही रखेंगे आज का दिन, एंड देखते हैं फिर आगे निकलते हैं, तो आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे टाइम हो गया है 1:09, और हमें थोड़ा सा रेस्ट करके आराम करके कुछ स्नैक्स लेके आप निकल रहे हैं बाहर। तो अभी हमने देखा कि हम अभी पास का ऐसे ही नाइट मार्केट घूम सकते हैं, तो हम जस्ट जा रहे हैं वहाँ पे राउंड लेने, और बस आज इतना हेक्टिक नहीं करते हैं, ऑलरेडी बहुत हेक्टिक हो गए हैं, तो बस उसका राउंड लेके आएंगे।
तो बस आज हम लोग इसीलिए ज़्यादा नहीं, बस आधा एक घंटा दो घंटा घूम के बाहर आ जाएंगे घर वापस, फिर कल से अपना हम लोग ट्रिप प्लान करते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। ब्राउनी काम से ब्राउनी काम ब्राउनी को लिफ्ट सब पता रहता है कहाँ जाना। नीचे रिसेप्शन का एरिया जहाँ पे आप देखो, और अभी हम इनसे पूछने वाले हैं कि क्या हमें यहाँ से जाने के लिए टैक्सी चाहिए, कहाँ से टैक्सी मिलेगी, या तो अगर ये मोटर बाइक अवेलेबल करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप रेंट पे मोटर बाइक भी ले सकते हो। तो मैं अभी इनसे कंफर्म करने जा रही हूँ। तो हमने बात किया है मोटर बाइक लेने के लिए, और वो अभी हो गया कि हाँ वो मोटर बाइक रेंट पे देते हैं, बट अगेन बहुत कॉस्टली बता रहे हैं बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, अभी थोड़ा एक्सपेंसिव चल रहा है। तो मैंने उनसे थोड़ा डिस्काउंट मांगा है और वो पता नहीं किसी से बात करने गए हैं, सो लेट्स सी कि हमें डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता है। पहले हमको मोटर बाइक मिल गई है और हमने अभी थोड़ा वेट किया बिकॉज हमको ऐसी वाली मोटर बाइक चाहिए थी जिसमें ब्राउनी आगे बैठ सके। तो फाइनली हम रेडी हैं जाने के लिए, और अभी नाइट आ रहे, तो हमने ले लिया है फाइनली ये, और हम जाने के लिए रेडी हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं नाइट मार्केट घूमने के लिए, तो आइए हमारे साथ। और ये है कुछ रात को होटल के बाहर का व्यू, बहुत ही सुनसान टाइप है बट अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और हम चलते हैं आप सबके साथ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं दलित के नाइट मार्केट में, और हमने अपनी मोटर बाइक यहाँ पे पार्क कर ली है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि दलित का नाइट मार्केट कैसा दिखता है, और बहुत ही प्यारी मुझे सिटी ये लग रही है। अभी रात को भी इतनी हैपनिंग है, बहुत ही प्यारी है, मतलब इट्स सेम लाइक अनदर सिटी जो हम पहले जा चुके हैं लाइक दनांग, और आगे भी जाने वाले हैं, तो सेम लाइक उसकी तरह मुझे कुछ कुछ लग रही है। बट इतना सोचा नहीं था हमने कि ये सिटी इतनी हैपनिंग होगी। और ठीक है, आइए हमारे साथ, लेके चलती हूँ आपको नाइट मार्केट को। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने के बहुत सारे, और मोस्टली तो वियतनामीज़ ही फूड है, तो हम देखते हैं कि अगर हमारे लायक कुछ होगा तो हम इसमें से अभी रात को खाएंगे। और रश भी है, सो गुड, कितने कितने कलरफुल डिश लग रहे हैं, पता नहीं इसमें से कुछ भी नहीं है हमारे लायक खाने के लिए, लेकिन ये कितना यम्मी दिख रहा है, सो कलरफुल। यहाँ हम रुके हैं कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए, और यहाँ पे है स्वीट पोटैटो कॉर्न और सोया मिल्क इज देयर। सो अभी हम सूरज खाने वाला है स्वीट पोटैटो, और मैं लेने वाली हूँ कॉर्न यहाँ पे। कॉर्न
हाँ यहाँ पे खाने आए हैं वियतनामीज पिज्जा, वेजिटेरियन पिज्जा एक्चुअली, मीट पिज्जा इज ऑल्सो देयर, लेकिन अभी हम वेजिटेरियन पिज्जा खा रहे हैं। और ये है कुछ इसका लुक, तो ये हमारा फर्स्ट वियतनामी पिज्जा होगा, बिकॉज हमने देखा बहुत बार है लेकिन खाया नहीं है आज तक, तो आज हम सोचे कि चलो इसको भी खा लेते हैं। तो यहाँ आ गया है वेज पिज्ज़ा, क्या मैं बोलूँगी एक पिज्ज़ा एक्चुअली, और यमी है, अच्छा है, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, बहुत बार देखा है इसको पहले बट ट्राई फर्स्ट टाइम किया है, या इट्स यमी, अच्छा है, एंजॉय। तो यहाँ पे हमें एक मिला है पूडल, एंड ये रंगोली पूडल है, पूरा रंगों से भरा हुआ पूडल है, एंड ऑल्सो वी हैव गॉट हियर ब्लैक पूडल, सो ब्लैक पूडल इज हियर, और मेरी ब्राउनी इज ब्राउन, सो ब्राउनी इज हियर ब्राउन, ब्लैक पूडल, ये रंगोली, मैंने इसको नाम दे दिया रंगोली, टू कलर, तो सो मेनी कलर, सो आई कॉल रंगोली, ओके थैंक यू बाय। सो दिस इज दलित फेस्टिवल टाउन, और अभी तो ये बंद है, मैं आपको ऐसे अंदर से दिखाती हूँ, आई डोंट नो इसकी टाइमिंग क्या है, अभी मैं ये चीज़ पता करूँगी, और अंदर कुछ कुछ तो होता होगा, और यहाँ पे मुझे नाइट मार्केट में ये नज़र आया और बहुत प्यारा लग रहा है। होटल रूम में वापस, और खाना भी खा लिया हमने, जो भी हल्का फुल्का और घर में आके खाना था, यहाँ पे आके खाना था, वो हम मंगवाए थे और खा लिया हमने, और ब्राउनी भी पूरी थक चुकी है, मैं भी पूरी थक चुकी हूँ, और सूरज भी पूरा थक चुका है, आज बहुत टायरिंग डे हो गया, पता ही नहीं चला कैसे पूरा दिन बीत गया। तो आई थिंक कि इस व्लॉग को हमें यहीं पे एंड करना चाहिए, होप सो कि आपको हमारा आज का ट्रैवलिंग अच्छा लगा होगा, और कल से हम अलग अलग जगह दलित की घूमने जाएंगे, जो कि हम आपको भी दिखाते रहेंगे अपने साथ में। तो कल मिलते हैं एक नए दिन, एक नई मॉर्निंग, एक नई सुबह, और एक नए वेन्यू पे, ठीक है, एवरीवन गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो।